हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अभी रेडी भी हो गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अंकल बोल रहे हैं कि वो मुझे घुमाने लेके जाएंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा ही जो है वो धूप निकल कर आ गई है यहाँ पर। आज 2-3 दिन से तो देखने को नहीं मिल रही थी। सो या आई थिंक मुझे वो विंड मील जो होते हैं ना, वो दिखाने के लिए लेके जाएंगे। सो आई एम गोइंग देयर एंड आई जस्ट हैड इडली प्लस वाइट चटनी जो होती है कोकोनट करी की, सॉरी कोकोनट की, उसकी चटनी मैंने खाई है उसके साथ, और इतनी टेस्टी थी। पता है आंटी ने ना मुझे वो सिखाया भी कि कैसे उसको बनाते हैं। तो बस इस वीडियो के बाद जस्ट मैं आपको शो करती हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे सिखाया था बनाना। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और बस अभी जाते हैं घूमने के लिए। एंड आई विल शो यू कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। सो यहाँ पे हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जो कि हमारे सांभर वड़ा के साथ मिलती है या फिर हमारे मसाले डोसे के साथ। आंटी, ये कच्चा नारियल होता है क्या? कच्चा नारियल, कच्चा नारियल इसमें कसा ना। अच्छा हाँ, वो मशीन में कस के। ओके ठीक है, इसको हम मशीन में पहले क्रश करेंगे। जो कच्चा नारियल होता है हमारा, ये वो है। हल्का सा इसमें हम डालेंगे अदरक। हरी मिर्च। ओके, हरी मिर्च। ये लाल मिर्च से भी कर सकते हैं। अच्छा, लाल मिर्च भी हम डाल सकते हैं। हरा मिर्च ज़्यादा फायदेमंद है, फायदा है और कलर भी अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीनिश। दोनों मिला के भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। नरम भी सो अपनी मर्जी। अच्छा अच्छा, हमें जो ग्राइंड करते वक्त, मतलब आप जैसे मर्जी इसको पीस सकते हो। अगर आपको उसको थोड़ा सा मोटा दरदरा रखना है वैसे कर सकते हो, अगर बिल्कुल फाइन करना है तो आप इसको बिल्कुल फाइन भी कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग। ओके, अब इसको हम तड़का लगाएंगे। सो हमने जो अभी ग्राइंड करके रखा है हमारा मिक्सचर, उसके लिए अब हम तड़का रेडी कर रहे हैं। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है बेबी अनियन को कट करके रखा है, और थोड़ा सा ही हमने कड़ी पत्ता ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, अब यहाँ पे हमने ये डाल दिए थोड़े से सरसों के दाने, और यहाँ जाएगा थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च। अब यहाँ थोड़े से करी लीव्स आ गए, सरसों है जो हमारी चटकने लग गई है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गया अनियन। ये जो चटनी है ना, हम ये बिल्कुल केरला स्टाइल की चटनी बना रहे हैं। ऐसा आप कभी भी आपको रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिलेगी इस टाइप की चटनी। अच्छा, बस ये जो हमारा मिक्सचर था इसको हमने इसमें अब ऐड कर दिया है। ओके, ये इतना सही है। अच्छा, इसको हमें पकाना नहीं होता है इस चटनी को। जैसे ही हमारा तड़का जो है थोड़ा सा रोस्ट टाइप का हो जाएगा, बस उसके अंदर फिर हमें ये नारियल का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हमें मिक्स करना है, दैट्स इट। और यहाँ जो है हमारी यम्मी सी जो है वाइट चटनी कोकोनट वाली,
वो बनकर रेडी हो गई है। देखने में ये इतनी स्वादिष्ट लग रही है और इसमें से जो अभी खुशबू उठ रही है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल में हमने इसको तड़का लगाया है जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो ये है, इडली एंड चटनी। जाने के लिए बैठ चुके हैं और ये यहाँ पर जो है यहाँ का टेम्पल है। ओके, यहाँ से दूध मिलता है, रास्ता है ऊपर हम जाते हैं। अच्छा ओके, जो आपने मुझे दिखाया था ना। अच्छा अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी है वो जो दो दो क्या नाम है वो स्टैचू है, स्टैचू। ओके ओके, हम लोग एक यहाँ पे स्टैचू है उसको देखने के लिए जा रहे हैं अभी। रामक्कल मेड़। रामक्कल मेड़। और यहाँ पे आज इतनी तेज धूप आई है, बहुत ज्यादा तेज। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा हवा इतनी जा रहा है। हाँ हाँ, लोग गिरता हुआ। अच्छा अंकल, वो जो आप टॉप पे देख रहे हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो हवा का प्रेशर है ना बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे विंड मिल्स भी लगा रखे हैं ना लोगों ने हाइट पे। So this is our destination, Ramakkal Medu Tourism Project. Okay, so यहाँ से we need to purchase the ticket. So हमने यहाँ से tickets ले ली है, अब यहाँ से हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। ऊंचाई पर है और ऐसे चलने से मेरी तो हालत खराब हो रही है। सामने वहां पे विंड मिल्स हैं और इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर का हॉल्ट लिया है बिकॉज चढ़ने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड देयर इज अ स्टैचू, यही हमें जाना है अभी। ये जो स्टैचू है वैसे ये आदिवासी हैं, ये दोनों उनका स्टैचू है ये। फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। एक्चुअली अभी ये ठीक से इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि जो सनलाइट है वो भी जस्ट वैसे ऊपर है, इस वजह से।
और एक ऐसा ही है ना ईगल करके, ईगल स्पॉट ऑन बिल, हॉर्नबिल, ओके, इसी टाइप का एक जो स्टैचू है ऐसा मलेशिया में भी है। बहुत तेज हवा चल रही है और अभी जो सन है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, तो बिल्कुल भी आंखें नहीं खोली जा रही हैं। देयर इज दैट स्टैचू और एक ये हवरबर्ड की शेप में बनाया हुआ है। सो इसके अंदर यहाँ से जाने का रास्ता भी है, तो हम इसके अंदर यहाँ से जाएंगे और अंकल नीचे ही हैं सो दैट ही कैन क्लिक माय पिक्चर्स। लोगों ने अपने नाम वाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। Clicking photographs and videos, I'm going downward. Something is written there, Hornbill and Nature Story. ये वाला पत्ता, अच्छा
सो यहाँ पे हमें एक प्लांट में ये फ्लावर मिला है, प्लांट भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं टच मी नॉट। जैसे उसको टच करा तो इसकी जो थे ये पत्तियाँ ये सब बंद हो गई है। ओके, टच मी नॉट प्लांट के बारे में मैंने स्कूल टाइम पे सुना था, लेकिन मैंने रियल में देखा आज। सो आफ्टर वॉचिंग द स्टैचू वी आर गोइंग टुवर्ड्स द होम। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप भी है यहाँ पे और हवा तो इतनी प्यारी है, इतनी फ्रेश हवा। सो अब हम यहाँ से घर जाएंगे और ये बहुत अच्छी जगह है, दिस प्लेस इज वेरी नाइस काम। सो यहाँ पे हम घर वापस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है आज यहाँ पे। हम लोग पहले विंड मिल्स भी देखने के लिए जाने वाले थे, बट मैंने अंकल से कहा कि शाम को जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है ना कि आँखें भी नहीं खुल रही है, ऊपर से बहुत ऐसा बहुत तेज़ लग रही है धूप, ऐसे लग रहा है जैसे सनराइज़ है ना यहीं से होता होगा और हम जैसे सूरज के बहुत पास है। सो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अब। हाय गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं अभी उठ गई हूँ, मैं सो गई थी एक्चुअली, क्योंकि मैं अंकल के साथ कार वॉशिंग करवा रही थी तो थोड़ा सा थकावट सी फील होने लग गई थी। अभी उठी हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पे। नेबर, अभी तो मौसम इतना अच्छा हो गया है, बाप रे, दिन में इतनी तेज़ धूप थी ना, सीरियसली। हम स्टैचू देखने के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। और अभी मैंने सोचा कि मतलब मेरे थोड़ा घर पे पहनने वाले कपड़े थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि इन्हें उठा लेते हैं, क्योंकि ये हमने वॉश किए थे तो इन्हें अब उठा लेते हैं। और बताए, आज मैं शाही पनीर बनाने वाली हूँ, आज मैं आंटी अंकल को खिलाऊंगी मेरे हाथ का खाना। तो चलो अभी मैं नीचे जाती हूँ, देन विल कैच यू। मैं अभी नीचे आ गई हूँ और जैसा कि हमने कार वॉश करी, अभी ये बहुत चमक रही है। और इवनिंग व्यू, यहाँ पे ना एक्चुअली एक वो कैट है, वो कैट मेरे पास आ ही नहीं रही है। सो यहाँ पे हमारी किट्टू का जो है वो इंसेक्ट्स खाने का काम शुरू हो गया है, ये देखो। व्हाट हैपन? यस, ओके, सी सी सी, ये लो। आहा, ये 10 बज चुके हैं और हमने खाना खा लिया है और मैं अब अपने रूम में भी आ गई हूँ। आज मैंने बनाया था शाही पनीर, अंकल आंटी को बहुत पसंद आया। चलो फिर, आज मैंने ज़्यादा एक्टिविटी कुछ करी नहीं है ना, बस वो एक देखने गए थे हम स्टैचू, और लेट्स सी कि कल हम एक बार विंड मील जहाँ पर हैं वो देखने के लिए जाएंगे। ऑल्सो या इट इज़ लाइक दैट, आज वो था ना सूर्य ग्रहण। मुझे इतनी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में ना एक्चुअली पता नहीं है, तो आंटी से सीखने को मिल रही हैं चीज़ें कि मतलब जब ग्रहण लगता है तो आज जैसे यहाँ पे आई थिंक 4:30 बजे से लेके
4 या 2:30 बजे से, आई थिंक 2:30 बजे से 6:30 बजे तक था। और मतलब उससे पहले आपको है ना सारा खाना खाना पड़ता है, अदरवाइज़ आंटी बता रहे थे वो विष बन जाता है, पॉइजन बन जाता है अदरवाइज़। और तब तक आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ खाना नहीं है, कुछ जो पुराना खाना रखा हुआ है वो सब भी आपको फिनिश करना पड़ता है। और फिर जब सूर्य ग्रहण ख़त्म होता है उसके बाद हल्दी डालते हैं थोड़ा पानी में, और फिर उससे उस पानी से थोड़ा थोड़ा पूरे घर में स्प्रिंकल करना पड़ता है। सो या ये सब चीज़ें मैंने आज सीखी हैं। और सीरियसली माई आंटी एंड अंकल जी, दे आर सो स्वीट, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे और बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। इतनी नेचुरल चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब सोती हूँ मैं। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।